जय हिंद। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर में कौन-कौन से पार्ट लगे हुए हैं और ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी तरह से हम जानकारी लेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर के बारे में मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो है ना, ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है, ये स्थिर रहने वाला डिवाइस है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर का काम होता है इलेक्ट्रिकल पावर का बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए एक जगह से दूसरे जगह भेजना, है ना, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, उसे ही क्या कहते हैं हम, ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब आप देखिए, ट्रांसफार्मर में जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट के पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे ये क्या है, बूसिंग है ना, ये जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ढोलक सा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंजर्वेटर कहलाता है ना। ये वाला जो पार्ट लगा हुआ है ना, ये पाइप सा जो दिखा हुआ है और ऊपर एक जो है ढक्कन सा लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन वाल्व या एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है। उसके बाद जो है इसी का जो है, यहाँ कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच जो है ना बकल्स रिले लगा होता है, इस तरह के जो है ना कोर वाइंडिंग्स, कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक, बूस्ट और बकल्स रिले, ब्रीदर बल्ब और रेडिएटर, इन सारे पार्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मेन टैंक होता है। मेन टैंक किस लिए होता है? मेनली जो है ना, मेन टैंक होता है जो क्वाइल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर का जो क्वाइल्स होता है, जो वाइंडिंग होता है, उस क्वाइल्स को जो है ना उस टैंक में रखा जाता है। अब हम जानते हैं जो क्वाइल होता है वो क्या होता है और वो कहाँ पे लगा होता है, किस जगह वो क्वाइल होता है ना, उसके बारे में जानते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? कोर। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। इसी कोर के ऊपर जो है वाइंडिंग्स किए होते हैं। क्या होता है? वाइंडिंग्स किए होते हैं, जो फाइन वायर, कॉपर वायर का जो है ना, लेमिनेटेड कॉपर वायर का जो है वाइंडिंग्स किए होते हैं, जो जो एक तरफ का वाइंडिंग है जहां से हम इनपुट सप्लाई देंगे। पहले वाले वाइंडिंग में जो है, इसी पहले जो वाइंडिंग होता है, ये क्या कहलाता है? प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। दूसरे साइड जो वाइंडिंग होता है वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। अब क्या होता है इसमें, जैसे ही हम इनपुट इसको एसी सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर जो है क्या होता है, एसी सप्लाई पे काम करता है। जैसे ही हमने एसी सप्लाई इसको दिया तो क्या होगा, पहले कॉइल में जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, और वही फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दूसरे कॉइल पे क्या क्या करता है, मैग्नेटाइज कर देता है। इसी की वजह से उस कॉइल पे जो है ना ईएमएफ जनरेट हो जाता है, मतलब यहाँ से प्राइमरी कॉइल से वोल्टेज जो है सीधा ट्रांसफर हो जाता है, किस पे? सेकेंडरी कॉइल पे। इतना ही फंक्शन है इस ट्रांसफार्मर का, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफार्म करता है, और इन दो कॉइल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, मतलब इंटरकनेक्ट नहीं होता है, आपस में चिपके नहीं होते हैं। ठीक है, आगे जो ये कोर के बारे में जानते हैं। कोर क्या होता है? कोर जो है ना, ये छोटे छोटे पत्ती से बना होता है। जब आप ट्रांसफार्मर को खोलेंगे, छोटे ट्रांसफार्मर को जब आप ओपन करते हैं, तो कोर जो होता है ना, छोटे छोटे इस तरह के ब्लेड से बना होता है, छोटे छोटे ब्लेड से बना होता है, और ये ब्लेड जो होता है ना लैमिनेट किया होता है। किससे? तो ये जो है वार्निश का जो है ना, इस पे लेप लगा होता है। क्यों लेप लगा होता है मैं आगे बताऊंगा, इस ये लेपिंग क्यों करते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं उससे बचने के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, उस पे लेप करते हैं। ठीक है, अब जो है आगे देखिए, इस तरह के क्वाइल्स जो है इस मेन टैंक के अंदर डाला जाता है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कंजर्वेटर टैंक, जो कंजर्वेटर टैंक होता है मेन टैंक से जो है क्या है, कनेक्ट है। ये जो है ये वाला मेन टैंक है, ये पूरा जो है क्या है, मेन टैंक है, और किस चीज का बना हुआ है, ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। इसी टैंक में क्या है, ऑयल डाला हुआ है ना। इसी टैंक में आप जो दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें क्या है, ऑयल डाला होता है, जो ट्रांसफार्मर तेल होता है वो भरा होता है। उस तेल का नाम क्या है, नेप्था ऑयल बोलते हैं, या ट्रांसफार्मर ऑयल बोल दीजिए, या क्रूड पेट्रोलियम ऑयल भी बोल सकते हैं। ये तेल इसलिए भरा जाता है ताकि जो हमने क्वाइल्स जो डाला है इसके अंदर, जो क्वाइल डालेंगे वो क्वाइल को कूलिंग करे, कूलिंग करे, और दूसरा चीज क्वाइल को जो है ना लेमिनेशन
जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, दो काम होता है तेल का। तेल का काम क्या होता है, एक तो ठंडा रखता है, दूसरा जो है कॉयल को क्या करता है, इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर देता है, ताकि बाय चांस यदि हीट होने की वजह से ट्रांसफार्मर का कॉयल यदि बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो क्या हो, यहाँ पे जो है इसके संपर्क में इससे ना आ पाए, इसी वजह से ये जो गाढ़ा तेल होता है इसमें क्या होता है, इंसुलेशन का गुण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं, ये जो है आप देख रहे हैं सिलिका जेल है ना। सिलिका जेल का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ना, ट्रांसफार्मर में जो है, ये देखिए ट्रांसफार्मर है, अब यहाँ पे सिलिका जेल कहाँ यूज करते हैं, ब्रीदर में, कहाँ करते हैं, ब्रीदर। ये देखिए ये लटका हुआ सा जो है ना होल्डर सा, इसमें इस बॉक्स में क्या होता है, इस डब्बे के अंदर जो है ना सिलिका जेल, इसी को बोलते हैं ब्रीदर। ब्रीदर मतलब होता है ट्रांसफार्मर को सांस लेने के लिए, ट्रांसफार्मर को सांस लेने के लिए जो जगह है वो क्या कहलाता है, ब्रीदर कहलाता है। उस ब्रीदर के अंदर, उस ब्रीदर के अंदर क्या डाला जाता है, सिलिका जेल। अब बोलेंगे सिलिका जेल क्यों डाला जाता है, सिलिका जेल का काम होता है वायुमंडल के अंदर या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है नमी है, मॉइस्चर जो है, उसको क्या करे, वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है और सूखी हवा को क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर जाने देगा, है ना। अब जो है सिलिका जेल बोलेंगे होता क्या है, सिलिका जेल आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ देखा होगा। सिलिका जेल जो है, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हैं, या मोबाइल लें, या लैपटॉप लें, या टैबलेट लें, तो उस बॉक्स के अंदर जब अनबॉक्सिंग हम करते हैं ना, तो उस बॉक्स के अंदर इस तरह का एक पैकेट पड़ा होता है, उस पैकेट के अंदर जो है ना छोटे छोटे जो है पत्थर सा जो है ना इस तरह का कण दिखाई देता है, कंकड़ सा, तो ये क्या कहला, यही जो है आपका सिलिका जेल होता है, ताकि आपका लैपटॉप या कोई भी इक्विपमेंट जो है मॉइस्चर से बचा रहे, मेन पर्पस यही है, इसीलिए हम इसी सिलिका जेल को यूज करते हैं। अब देखिए ये सिलिका जेल जो है यहाँ इसके नीचे जो है ना एक कटोरी सा लगा हुआ है ना, ब्रीदर के नीचे, ऊपर तो सिलिका जेल भरा हुआ है, नीचे क्या है कटोरी सा लगा हुआ है। इस कटोरी में क्या होता है, थोड़ा सा तेल डाला जाता है, तेल तेल भरा होता है, क्यों, वो तेल इसलिए भरा होता है, ब्रीदर ये सिलिका जेल क्या करता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है लेकिन धूल कण को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए जो है धूल कण को एब्जॉर्ब करने के लिए, धूल कण को सोखने के लिए जो है उसमें ऑयल का यूज किया जाता है। ये ब्रीदर के बारे में आपको क्लियर हो गया है ना। अब ब्रीदर और अब देखिए कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, ये कंजर्वेटर टैंक जो है, कंजर्वेटर टैंक जो है मेन टैंक से, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से जुड़ा होता है, और कंजर्वेटर टैंक में जो है ये देखिए कंजर्वेटर टैंक में जो क्या होता है, यहाँ से जो है जब हम ट्रांसफार्मर के अंदर जो है तेल डालते हैं, तो हमेशा जो है कंजर्वेटर टैंक के ऊपर जो है ना इसका ढक्कन लगा होता है, तो ये ढक्कन यहाँ से निकाल के आप क्या करते हैं, इसमें जो है तेल को भर देते हैं, और तेल जो है सीधा कंजर्वेटर टैंक से होते हुए मेन टैंक में फुल हो जाता है, और हम तेल को इतना भरते हैं कि जो ये तेल जो है कंजर्वेटर टैंक के हाफ रहे, कितना रहे, हाफ रहे, वो इसलिए ताकि जब ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो जाएगा बहुत देर चलने के कारण, जब गर्म हो जाएगा ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा, तेल में प्रसार होगा, तेल में प्रसार होने की वजह से जो है ना ट्रांसफार्मर जो का तेल जो है पूरा फैलेगा, फैलते हुए इस आधे कंजर्वेटर इसलिए खाली रखते हैं ताकि जब प्रसार होगा तो क्या होगा, ये जगह इसको मिल जाए, है ना, तो इससे क्या होगा हमारे ट्रांसफार्मर का सेफ्टी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बच जाएगा। देखिए दूसरा फीचर्स हमने क्या किया, इतना पे ही नहीं रुका, उसके बाद भी हमने दूसरा फीचर्स लगा दिया इस पे जो है ना, एक्सपेंशन वाल्व या एक्सपेंशन वेंट लगा दिया, किस लिए, वो इसीलिए ताकि जब ऑयल ट्रांसफार्मर हीट होगा कि जब भी इसको जब खोलना शुरू कर देगा, बॉयल होना शुरू कर देगा, गैस बनेगा, तो वो गैस कहाँ से निकल जाए, जो जो एक्सपेंशन बल्ब लगा हुआ है यहाँ से, ये सॉफ्ट मेटल का बना होता है ये ढक्कन, और क्या होगा जब गर्म होगा तो यहाँ से ब्रेक कर जाए। इससे भी देखिए इस कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच जो है ना बकल्ज रिले लगा होता है, ये वाला जो है ना ये क्या है, बकल्ज रिले, एक जस्ट लाइक एक स्विच होता है, क्या होता है, स्विच होता है, इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, पारा क्या करता है जब गर्म होगा पारा, तो वो क्या करता है प्रेशर डालता है, स्विच के ऊपर प्रेशर डालेगा, जैसे ही प्रेशराइज होगा स्विच तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बंद हो जाएगा, कब ये प्रेशराइज होगा, जब ओवर हीट हो जाएगा,
है ना, मतलब ये स्विच जो लगा कहाँ होता है, तो ये कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच, देखिए कंजर्वेटर है और यहाँ से क्या है, मेन टैंक का पाइपलाइन है, पाइपलाइन के बीच में ही क्या लगा हुआ है, बकल्स रिले लगा हुआ है। क्लियर हो गया बकल्स रिले का काम, मतलब सेफ्टी के लिए, ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए, राइट। अब आगे चलते हैं हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का कुछ कूलिंग सिस्टम है ना। कूलिंग सिस्टम, आपने इस तरह का ट्रांसफार्मर देखा होगा आपके घर के बाहर जो है, जो 11,000 की लाइन आती है वहां पे जाके देखेंगे तो दो पोल के बीच जो है ना इस तरह का एक ट्रांसफार्मर खड़ा रहता है। उस ट्रांसफार्मर में जो है ना ऐसे पाइप लगे होते हैं साइड में, हमने गौर किया होगा यार इसमें पाइप क्यों लगा हुआ है ना। पाइप का मेन मकसद यही होता है, ये पाइप जो होता है मेन टैंक से क्या होता है कनेक्ट होता है, और ये तेल जो है इस हर एक पाइप के अंदर क्या होता है भरा होता है, हर एक पाइप के अंदर तेल भरा होता है। अब क्या होगा, बाहरी हवा जो है क्या होगा, नेचुरल हवा जो है इस पाइप पे पड़ेगा, क्योंकि पाइप के चारों तरफ क्या है खुला एरिया है, तो क्या होगा ऑटोमेटिक जो है प्राकृतिक नेचुरल जो है ये क्या है कूलिंग होगा। कूलिंग जैसे पाइप ठंडा हो गया, पाइप के अंदर पाइप ठंडा हो गया तो पाइप के अंदर जो तेल है गर्म तेल वो भी ठंडा हो गया। हम जानते हैं जब गर्म तेल होता है वो क्या है ऊपर उठ जाता है ना, तो ये तेल ऊपर चला जाएगा, फिर क्या होगा जो ठंडा ठंडा तेल होगा नीचे आएगा, फिर ऊपर से क्या होगा गर्म तेल आएगा ठंडा होगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, ऊपर से गर्म आएगा फिर ठंडा होगा नीचे चला जाएगा, राइट। इसी तरह से जो है ये क्या कहलाता है, नेचुरल कूलिंग या ट्यूब ट्यूब कूलिंग कहलाता है। अब कुछ जो है रेडिएटर टाइप का है, सेम फंक्शन जो है ना इस रेडिएटर में भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पाइप लगा हुआ है, इसमें प्लेट लगा हुआ है, और ज्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है, बस प्लेट लगा हुआ है, बाकी सेम फंक्शन वही है। इसमें भी क्या होता है नेचुरल हवा जो है, हवा के कारण क्या होगा ये रेडिएटर का जो है प्लेट ठंडा होगा, प्लेट ठंडा होने के कारण क्या होगा इसके अंदर का तेल भी क्या होगा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मेन हमारा जो है बड़ा ट्रांसफार्मर है ना, आपने देखा होगा सब स्टेशन के अंदर, सब स्टेशन के अंदर क्या होता है बहुत बड़ा विशाल ट्रांसफार्मर होता है, और बहुत गर्म भी होता है, बहुत आवाज भी करता है, तो क्या होगा उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैन की जरूरत पड़ जाती है, नेचुरल से काम नहीं चल पाता है, इसलिए हम क्या किए हैं देखिए एक्स्ट्रा फैन को यूज कर दिए हैं। क्या किए हैं, एक्स्ट्रा फैन को। इस तरह से जो है हम ट्रांसफार्मर को ठंडे होने से बचा लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते देखिए जो बूशिंग, बूशिंग किसको बोलता है, बूशिंग क्या होता है मेनली टर्मिनल को ही हम बूशिंग कहते हैं, जहां से हम इनपुट देते हैं और इनपुट लेते हैं, क्लियर। बूशिंग यही कहलाता है, टर्मिनल्स को ही हम क्या कहते हैं बूशिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे के जो है ना आगे के वीडियो में हम लॉसेस के बारे में बताएंगे, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या लॉस होता है, कई तरह के लॉस है, जैसे मैं अभी यहाँ थोड़ा डिफाइन कर दूं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, स्टेरिस लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस है ना, इसके भी अलग अलग टाइप्स है, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस। तो मैं आगे के वीडियो में जो है ना आपको पूरी तरह से इस लॉसेस के बारे में क्लियर करने वाला हूं। अब देखिए क्या है, एक ओवरव्यू हम लेते हैं, एक पूरी तरह से जो है ये क्या है ट्रांसफार्मर है ना, पूरा ट्रांसफार्मर है। आप देख रहे हैं इस ये पीला कलर का जो दिख रहा है ना ये क्या है ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। ये जो है ऊपर ये क्या है कंजर्वेटर टैंक है, हमने बोला था कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक कनेक्ट होता है, और इन दोनों के बीच में ही क्या होता है बकल्स रिले स्विच होता है ना, ये भी आपको देखने को मिल गया। ये टर्मिनल्स जो कॉइल से जो इनपुट और आउटपुट, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनपुट और आउटपुट, ये क्या कहलाता है बूशिंग कहलाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम बूशिंग कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है ये कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, जैसे यहां मान के चलो ये रेडिएटर लगा हुआ है, बाहर से हमने क्या किया इसको कूल रेडिएटर पे बाहर से एक्सटर्नल फैन लगा दिया है इसको ठंडा करने के लिए, किस लिए ये ऑयल ठंडा रह जाए। दूसरा चीज इसी कंजर्वेटर से जो है ना ब्रीदर कनेक्ट है ना, ब्रीदर कनेक्ट है, हमने बोला था ब्रीदर का काम होता है सांस लेना, सांस लेने के लिए जो है इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल को किया हुआ है। आई होप कि आप लोग जो है पूरी तरह से जो है ना ट्रांसफार्मर को समझ पाए होंगे, यदि कोई डॉट हो तो हमें इस कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर यहाँ हमें समझ में नहीं आया, हम क्या करेंगे अगले वीडियो में जो है ना और भी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।